सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ये आसूस वीवो बुक का फ्लिप सीरीज का लैपटॉप है, जो कि आता है आपका Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ और ये एक बजट का लैपटॉप है। अगर आपको 360 और टच के साथ चाहिए तो ये वाला मॉडल आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बात करता हूँ इसका मॉडल का। यहाँ पे आपका मैं मॉडल नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो LZ501WS इसका मॉडल नंबर है, TN3402QBA इसका सीरीज नंबर होता है। एंड साथ ही अगर मैं बात करूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन है। सो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आप सारा चीज देख सकते हो, जैसे कि इसके अंदर आपको Ryzen 5 5600H का प्रोसेसर है, 8GB रैम है और इसमें आपको 16GB वाला वेरियंट भी आता है, तो आप चाहो तो 16GB वाला भी आप ले सकते हो। फिलहाल जो मेरे पास है वो आपका 8GB के साथ है। एंड साथ ही अगर मैं बात करूँ इसका बैटरी का, तो इसके अंदर आपको 3 सेल का बैटरी है और यहाँ पे 50 वॉट आवर का इसके अंदर आपको बैटरी दिया हुआ है और 2K डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलता है। साथ ही विंडोज 11 और प्लस MS ऑफिस दोनों लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे आपको प्रीबिल्ड दिया हुआ है। सो डब्बा को अगर आप अनबॉक्स करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आसूस एंटी बैक्टीरियल गार्ड यहाँ पे आपको मिलेगा, इसे आप चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसको साइड में रखते हैं। एंड साथ ही यहाँ पे आपको कुछ यूजर्स मैनुअल मिलता है और इसमें स्टिकर वगैरह भी दिया हुआ है, तो इसको भी आपको साइड में रखते हैं। और यहाँ पे आप लैपटॉप को देख सकते हो, पैकेजिंग कुछ इस टाइप से पैकेजिंग इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा। राइट साइड में यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर ऐसे सीरीज है, जैसे कि यहाँ पे आपको स्टाइलस पेन इसके अंदर मिल जाता है 2.0 यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है। और ये जो पेन है ये आपका बैटरी के साथ आता है, तो इसमें आप नॉर्मल बैटरी यूज कर सकते हो। एंड साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और एसोसरीज का, तो यहाँ पे आप पावर केबल देख सकते हो, इसके अंदर पावर केबल है और क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको 90 वॉट आवर का यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है और जो इसका पिन है यहाँ पे आपको स्मॉल पिन है, तो आराम से जो है लैपटॉप इसे आप चार्ज कर सकते हो। और चार्जिंग टाइम जो है यहाँ पे आप तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा लैपटॉप को चार्ज होने में और बैटरी बैकअप आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जो कंपनी का क्लेम है वो अराउंड 4 से 5 घंटा यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। सो लैपटॉप बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको एक स्टाइलस पिन है, साथ में एक चार्जर एडाप्टर और एक यहाँ पे आपको लैपटॉप है। सो फिलहाल सारा चीज़ को हटाते हैं और यहाँ पे आपको लैपटॉप में दिखाते हैं यहाँ पे लैपटॉप का कैसा लुक मिलेगा आपको और साथ ही यहाँ पे आपको कलर का क्या ऑप्शन है। सो पैकेजिंग यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड बात करें इसका बिल्ड क्वालिटी का, तो इसमें बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे सेंटर में आपको आसूस लोगो मिल जाता है, आसूस वीवो बुक यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये 2023 वाला जो है लुक यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी का, तो इसके अंदर पूरा मेटल बिल्ड यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलता है। जो लैपटॉप का बिल्ड है वो टोटल मेटल बिल्ड के साथ है और यहाँ पे अगर फ्लैक्स वगैरह की बात करें तो ना के बराबर यहाँ पे आपको फ्लैक्स मिलता है। तो जो बिल्ड है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। एंड साथ ही अगर मैं बैक साइड की बात करूँ, तो बैक साइड में भी आप देख सकते हो मेटल है, पूरा यहाँ पे मेटल लीड दिया हुआ है, 2 रबर ग्रिपिंग यहाँ पे मिलता है और 1 रबर ग्रिपिंग यहाँ पे दिया हुआ है और एयर वगैरह निकलने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एयर निकलने के लिए मिलता है, एयर बैंड दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे इसका इनलेट है, यहाँ पे भी आपको एक आउटलेट मिलता है, 2 स्पीकर इसके अंदर है और हरमन कार्डिन का यहाँ पे आपको इसके अंदर स्पीकर यूज किया हुआ है। बाकी यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह मेंशन है, तो जब भी आप लैपटॉप लो यहाँ से चेक कर लो कि वही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है कि नहीं जो आप परचेज करना चाहते हो। एंड साथ ही अगर पोर्ट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको एक USB साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो एक आउटलेट यहाँ पे भी दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट, साथ में यहाँ पे आपको USB C टाइप जिसे आप चार्ज भी कर सकते हो लैपटॉप को। वैसे जो ये है यहाँ पे आपको चार्जिंग गोल वाला पिन इसके अंदर आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको ऑडियो का जैक दिया हुआ है 3.5 वाला। एंड वेट की बात करें तो अराउंड 1.8 kg का वेट मिलेगा इसके अंदर और लैपटॉप जो है ये पूरा आपका 360 प्लस टच के साथ है। एंड ओवरऑल जो लुक है यहाँ पे आपको मैं अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे आप सामने से देख सकते हो कुछ इस टाइप से लुक यहाँ पे आपको मिलता है लैपटॉप का। सो बात करें सबसे पहले हिंच का, तो यहाँ पे जो है आप हिंच देख सकते हो 360 है, लैपटॉप को फुल्ली आप 360 कर सकते हो। और अगर आप लैपटॉप मोड में यूज करते हो, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले वबलिंग वगैरह अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना के बराबर हिंच काफी अच्छा इसके अंदर रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा हिंच इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलता है। और जो हिंच है यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा। सो यहाँ पे आप 360 की तरह इसे फोल्ड कर सकते हो, आराम से आप चाहो तो इसे जो है लैपटॉप के मोड में और टैबलेट के मोड में इसे आप यूज कर सकते हो।
एंड बात करें यहाँ से सामने में, तो यहाँ से आप देख सकते हो बेस बॉडी का भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे कुछ डिजाइन इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलता है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर AMD का Ryzen 5 5000 सीरीज का प्रोसेसर है, जो कि आपका 5600H सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको Radeon ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, MS Office है। बाकी अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो टच पैड है इसके अंदर यहाँ पे आपको नम पैड का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो नम की दिया हुआ है, जिसके यहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हो। ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, इसे ऑन ऑफ दोनों आप कर सकते हो। एंड साथ ही जो है टच पैड भी आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ यहाँ पे आपको टच पैड मिलता है, और मल्टी गेस्चर जो है यहाँ पे सपोर्टेबल है, जितने भी विंडोज 11 के साथ यहाँ पे आपको आता है सारा यहाँ पे सपोर्टेबल है। एंड यहाँ से जो है आप इसे बहुत इजी तरीके से यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो जैसे आप यहाँ पे स्लाइड करोगे तो सामने कैलकुलेटर आपको ओपन हो जाएगा, और टच है तो बहुत इजी टू यूज़ ये लैपटॉप हो जाता है। एंड साथ ही जो है स्पीकर में हरमन कार्डन दिया हुआ है, ASUS का S14 फ्लिप सीरीज का ये लैपटॉप है, यहाँ पे सी टाइप सपोर्ट करता है, नॉइस कैंसिलेशन है, कैमरा शटर है, ये सारा फीचर्स इसके अंदर यहाँ पे आपका पाम रेस्ट पे मेंशन है। एंड साथ ही यहाँ पे चेक करते हैं कि लैपटॉप ऑन एंड ओपन होता है कि नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो है दोनों हाथ का यूज करना पड़ेगा लैपटॉप को ओपन करने में। बाकी सेंटर में यहाँ पे आपका ASUS VivoBook मेंशन है। और बात करें यहाँ पे कीबोर्ड का, तो इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको जो है बैकलीड का सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो बैकलीड इसके अंदर दिया हुआ है, जिसका लेवल आप चेंज कर सकते हो। एंड साथ ही यहाँ पे पावर बटन पे आपको फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी जो टच है 14 इंच का टच है, जिसके अंदर जो है यहाँ पे 60 हर्ट्ज का पैनल यूज़ किया हुआ है, और IPS लेवल डिस्प्ले इसके अंदर मिलता है, और यहाँ पे आपको फुल्ली टच है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथली यहाँ पे ये आपका स्मूथ काम करता है। बाकी अगर बात करें इसका तो नैरो बेजल डिस्प्ले इसके अंदर मिलता है आपको, और अराउंड जो है इसका बॉडी टू स्क्रीन रेशियो हो तकरीबन 85% बॉडी टू स्क्रीन रेशियो यहाँ पे आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपका कैमरा शटर दिया हुआ है, जिसके अंदर 720 का HD कैमरा है विथ डुअल माइक के साथ, यहाँ पे आपको 2 माइक का ऑप्शन मिल जाता है, तो मीटिंग वगैरह अटेंड करने में आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपका रहेगा। सो बात करें डिस्प्ले का, तो डिस्प्ले इसमें जो है आपका IPS लेवल का डिस्प्ले है, टच के साथ है, मल्टी टच यहाँ पे ये सपोर्ट करता है, एंड 62% इसके अंदर जो है आपको NTSC वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर में चलते हैं और इसका आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो Ryzen 5 का 5600H प्रोसेसर है, जो कि 6 कोर है, 12 थ्रेड्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, और 16 MB का कैश मेमोरी इसके अंदर आपको दिया गया है, तो परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही इसके अंदर 8GB रैम है, और रैम आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो मेरे नॉलेजेबल के हिसाब से, बाकी अगर आप जो है अगर आपको आइडिया हो तो आप इसे आप रिप्लेस कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। बाकी इसके अंदर 512GB का SSD दिया हुआ है Gen 3 वाला, और यहाँ पे आपको जो है AMD का Radeon ग्राफिक्स है, जो कि आपका 512MB यहाँ पे दिखाता है, शेयरिंग मेमोरी के साथ यहाँ पे आपको मिलेगा। बाकी कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6 इसके अंदर मेंशन है, Wi-Fi 6 इसके अंदर आता है, और ब्लूटूथ 5.2 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, बहुत ही अच्छा लुक वगैरह यहाँ पे आप देखोगे तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे आपको मिलता है। तो चलिए यहाँ पे एक वीडियो प्ले करते हैं, और इसका डिस्प्ले क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले का आउटपुट कैसा मिलता है। एंड यहाँ पे अगर साउंड की बात करूँ तो हरमन कार्डन का स्पीकर इसके अंदर मिलता है, और काफ़ी अट्रैक्टिव यहाँ पे आपको साउंड भी है, और डिस्प्ले आप सामने देख रहे हो कितना अच्छा यहाँ पे आपको डिस्प्ले इसके अंदर आपको मिलेगा। मैं थोड़ा सा और भी आगे करके आपको दिखाता हूँ, लाइटिंग वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। साथ ही अगर कैमरा की बात करें, जो कि आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा दुनिया ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 720 का HD कैमरा इसके अंदर मिलता है, और आउटपुट काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको कैमरा का भी मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेलिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है। बाकी 360 है लैपटॉप, ये पूरा टच है, इसे आप लैपटॉप मोड में चाहो या आप लैपटॉप मोड में या चाहे टैबलेट मोड में यहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ईजी टू यूज़ है। साथ ही इसके अंदर आपको स्टाइलस पेन मिलता है, एंड पेन के साथ भी अगर आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, लुक बहुत अच्छा है। एंड बात करें अब इसका मार्केट प्राइस का, तो अराउंड जो इसका मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 52-53 का इसका मार्केट प्राइस है,
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप i3 वगैरह या i3 12 जनरेशन वगैरह अगर आप परचेज करते हो तो उससे बेहतर है कि आप इसे परचेज कर सकते हो। मैं आपको लिंक दे देंगे, उसके थ्रू आप इसे जो है परचेज कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।